तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोग को पता ही है, मेरा नाम सैम है और आप लोग सैम ब्लॉग शेयर देख रहे हैं। अभी चैनल का नाम है जो, तो गाइस ये वीडियो जो था मेरा, आपने देखा ना, सेम टू सेम मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ बात नहीं करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। गाइज, ये जो बात है ये कहीं ना कहीं मेरे लाइफ से जुड़ी हुई है, कह सकते हैं कि मेरी लाइफ का एक अपडेट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गाइज मैं आप लोगों को भी अपनी फैमिली समझती हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो आई होप आप लोग को भी मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वो वीडियो देखा मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा इन्जॉय आया। गाइज जानते हैं क्या हुआ था, गाइज अचानक मैं ऐसे ही चला ही रहा था यूट्यूब ना, तो अचानक मैंने उसका वीडियो देखा, थंबनेल मैंने देखा, तो थंबनेल आपको पहला नंबर ऊपर ही देखने को मिला होगा, जिस तरह उसने कहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले। बहुत हार्ड से बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बात अभी थोड़े समय पहले की ही है, और मुझे ये बात को आप लोगों को बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी से ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी दुख के साथ ही, लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अपनी बातें आप लोगों तक पहुँचाना मेरा एक फर्ज है, एक दायित्व है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार वो उसका वीडियो जितना भी रहता है सब झूठा ही रहता है। ओके, सो ये गाइस बात जो है अभी थोड़े दिन पहले की है, अभी थोड़े समय पहले कह सकते हैं, दो तीन दिन पहले ऐसा हुआ कि करीब जो है शाम के 7 बज रहे थे। हाँ, उस टाइम शाम के 7 बज रहे थे, तो उस टाइम मेरा कुछ साउथ इंडियन खाने का मन हुआ। एक्चुअली मैं साउथ इंडियन खाना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो उसमें ऑयल भी कम होता है, ऊपर से वो हेल्दी भी होता है। वो कहाँ जा रही है, बात कहाँ से कहाँ पहुँचा रही हो यार भाई? कभी उसका एक सच्चाई नहीं रहता है, और आजकल होशियार बन चुकी है। पहले उसने कमेंट में ना कमेंट चालू किया था, अलाउ किया था, आजकल कमेंट भी आप कर देती है होशियार लड़की, कि पूरा देखो, चाहे गाली देना हो, कुछ भी देना हो, उससे मतलब नहीं है। बस वो वीडियो कैसे भी आप देख लें, तो उसका व्यूज बढ़ जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं है उसको। सर डेफिनेटली मैं अब दोबारा शेयर नहीं करना चाहती, इट वॉज वेरी पेनफुल। कि ये जो पूरा हैंड है ये कह सकते हैं बॉडी से अलग हुआ है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना पेनफुल रहा होगा। ठीक है, तो वो वाली एक बात है, तो ये वाली चीज़ थी, तो इट वॉज़ वेरी पेनफुल। आप कह सकते हैं कि एक तो होता है कटना, कि आपका कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो आपको दर्द होता है, लेकिन एक चीज़ होता है आपका उखड़ जाना, है ना, आपका बॉडी पार्ट उखड़ गया, तो आप उसमें सोचिए कि आपको कितना ज़्यादा दर्द होगा। वॉज वेरी वेरी पेनफुल। मैं तो डेफिनेटली उस टाइम कॉन्शियस भी नहीं थी, मैं बेहोश हो गई थी। कोई भी इतना, एक तो डर, ऊपर से इतना ज़्यादा अगर आपकी ब्लीडिंग होती तो आप बेहोश हो जाते हैं। यार भाई साहब, उसको इंग्लिश में भाई साहब ना सिर्फ एक चीज़ आता है, वो है इट वॉज पेनफुल, इट वॉज पेनफुल, इट वॉज पेनफुल एंड इट वॉज पेनफुल। चार बार इस्तेमाल किया है इट वॉज पेनफुल का, बस उसके आगे उसने कुछ नहीं बोला भाई साहब। तो गाइस जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लिखा था उसके थंबनेल पे कि सौरभ जोशी की वजह से मेरी ये हाथ, ये वाला हाथ उसका चला गया, मतलब वो लोली हो गई ना, ऐसा उसने बनाया था। गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे, तो मैंने देखा तो मैंने सोचा ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, लाओ पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो जब मैंने पूरा का पूरा वीडियो देखा गाइस, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि पूरा का पूरा उसमें झूठ था वीडियो में। लास्ट में पता चलता है, कहती है कि नहीं गाइस मैं झूठ बोल रही थी। ओके, सो गाइस मैं अब बता दूं आपको कि ये एक प्रैंक था, ये बिल्कुल भी ये सच नहीं है। आप देख सकते हैं ये रहे मेरे हाथ, और बिल्कुल ही सही सलामत है। तो ऐसा ऐसा वीडियो लोग बनाते हैं गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने देखा तो मुझे, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई देता हूँ उसका पूरा का पूरा वीडियो, आप लोग को भी हो सके बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो गाइस एक प्रैंक था, अब बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स करने लग जाएंगे कि प्रैंक तो सब लोग अपनी फैमिली के साथ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तुम हमारे साथ क्यों कर रही हो। सो मैं बता देती हूँ, मैंने जैसा वीडियो की फर्स्ट लाइन में ही बोला था कि मैं आप लोगों को भी अपनी फैमिली समझती हूँ, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब मेरे लिए फैमिली है। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही थोड़ा सा मज़ेदार वीडियो पाने के लिए अपने भाई को यार सपोर्ट करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी के लिए बाय बाय, और थोड़ा सपोर्ट करो यार, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय गाइज़।